जय श्री राम बंधु। हिंदू रिचुअल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी व्रत के बारे में आपसे निवेदन करने जा रहा हूँ। ये एकादशी व्रत अन्य एकादशी व्रत की तरह ही रहना चाहिए। दशमी को एक समय भोजन, विशेष करके संध्या समय में बैगन, मसूर, चावल आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए और एकादशी को निराजल जल अथवा फलाहार तैयार करके जो है हमें व्रत रहना चाहिए। और द्वादशी को अगले दिन जो है विशेष करके भगवान का प्रातः पूजन करके, क्योंकि एकादशी को हमने 2 समय भोजन नहीं किया, उसके निमित्त 2 खुराक अन्न दान करके सुपात्र ब्राह्मण को भगवान का चरणामृत लेकर पालन करना चाहिए। ये एकादशी सफला एकादशी व्रत कहा जाता है। हमारी जो भी कामनाएं वर्तमान में हैं वो पूर्ण होती है और हमारे पूर्वज भी इससे बड़े प्रसन्न होते हैं। इसमें भी एकादशी के दिन मध्याह्न काल भगवान का विशेष पूजन करना चाहिए, अर्चना करना चाहिए, 108 1008 तुलसी दल इत्यादि अर्पण करना चाहिए। नहीं तो रोज अगर आप 1 माला जाप करते हैं तो इस दिन 11 माला जाप कीजिए अथवा 21 कीजिए, या अधिक से अधिक हो सकते हैं सत्य का पालन कीजिए और सत्यनारायण कथा इत्यादि भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस पावन व्रत की कथा ही आता है कि जो है एक महिष्मान का नाम के राजा थे चंपावती नगरी के। उनका जो 4 पुत्रों में छोटा पुत्र लुम्पक था बड़ा ही दुष्ट था और अलग प्रवृत्ति का था। वो परेशान हो गया पाप कर्म करते करते, तो और पिताजी का अनुशासन पाकर वो सोचा यहाँ तो बड़ा मुश्किल है, तो अपना राज्य पिताजी के राज्य को छोड़ के जंगल में चला गया। एक पीपल के वृक्ष के नीचे रहने लगा और चुपके से अपने पिता की नगरी में आए, चोरी करे और कई बार पकड़ा गया पर दूतों की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो राजा का लड़का था तो इसलिए दूत लोग जो है राजा तक वो बात महिष्मती तक नहीं पहुंचाए और ये दिनों दिन इसका पाप बढ़ता गया। तो चूंकि पीपल के वृक्ष के नीचे रहता था तो पौष मास की 10वीं तिथि को, जो संयोग से आज 10वीं तिथि है, ये ठंडी के कारण बहुत परेशान हो गया और इसको ठंड लग गई, तो इसलिए रात्रि का इसने कुछ भोजन वगैरह नहीं किया। और एकादशी के दिन दिन में जो है पीपल का वृक्ष था, जो कुछ आसपास फल वल इसको मिला वो वृक्ष के नीचे रख दिया। तो भगवान जो पीपल का वृक्ष है नारायण का स्वरूप होता है, तो ऐसा लगा कि इसने जो है नारायण को अनन्य फल इसने समर्पित किया है। इस भावना से भगवान बड़े प्रसन्न हुए। इसको आकाशवाणी हुई कि भाई आपने हमारी सेवा किया है और इसलिए आपको हम पापों से मुक्त करते हैं, आपने एकादशी का जो है निराजल व्रत किया है, क्योंकि इसने तो गलती से व्रत किया था। तो ये बड़ा प्रसन्न हुआ और भगवान से पापों की क्षमा मांगी, वापस अपने पिता की नगरी में आया, पिताजी को बताया कि हमसे इतना अपराध हुआ, मुझे दंड दीजिए। पिताजी ने कहा कि बेटा दंड यही है कि इस व्रत को आप बढ़ाओ, लोगों को बताओ। तो इस तरह से ये सफला एकादशी व्रत हुआ, उसका जीवन जो है सफल हुआ। तो हम लोग जो भी युधिष्ठिर जी को भगवान श्री कृष्ण कह जी बताते हैं कि जो भी सफला एकादशी का व्रत पूरे समर्पण के साथ करता है निश्चित जो है भगवान की कृपा का पात्र बनता है और उसका मन चाहा फल जो है अवश्य मिलता है, उसका व्रत सफल होता है। तो बंधुओं, जैसा मैं बार बार आपसे कहता हूँ, व्रत कीजिए, उपवास कीजिए, तपस्या कीजिए, पर उसकी शुरुआत अपने घर से कीजिए, माता पिता की सेवा के साथ कीजिए और जो दायित्व है उसका पालन कीजिए और निश्चित जो है आप व्रत करेंगे तो आप पर प्रभु की कृपा बरसेगी। व्रत न कर सकें तो भी चावल बैगन इत्यादि का सेवन न कीजिएगा। फिर आपको मैं जल्दी मिलूंगा एक नए निवेदन के साथ में, जानकारी के साथ में। जय श्री राम। अगर आपको उचित लगे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।